हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कॉम्पिटिशन क्रैकर्स। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस से रिलेटेड इंग्लिश का लेक्चर। ठीक है दोस्तों, तो एसएससी एमटीएस वालों के लिए ये लेक्चर है और एसएससी जीडी वालों के लिए भी, क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट इंग्लिश का सिलेबस सेम है। तो एसएससी एमटीएस एंड एसएससी जीडी वालों के लिए आज का लेक्चर है दोस्तों। अगर आप और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, बैंकिंग, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड लेक्चर्स आपके लिए लाते रहते हैं। तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस जीडी वालों के लिए जो वीडियो है, इसमें हम इंग्लिश का पोर्शन कवर करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, फ्रेजेस ये वाला सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे इसका। ठीक है दोस्तों, और ये है लेक्चर नंबर फर्स्ट फिलहाल इसका। और भी लेक्चर आएंगे इसके बाद जिसमें कि हम इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर करेंगे। बस आपका रिस्पांस देखेंगे कि इस वीडियो में कैसा होता है, उसके मुताबिक हम आगे कार्य करेंगे। ऑलराइट, और इडियम्स एंड फ्रेजेस इस वीडियो में हम देख लेंगे। इसके अलावा एक जीके के लिए भी मैं ये तैयार कर रहा हूँ, जीके के एमसीक्यूज को एसएससी एमटीएस और जीडी वालों के लिए। तो आप ये भी देखना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जीके क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है कि यहाँ से ही क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्जाम में भी। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो फ्रेज है आपके सामने वो है आई डू नॉट सी आईज टू आईज विथ यू इन दिस मैटर। तो आईज टू आईज देखने का क्या मीनिंग होता है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं टू हैव द सेम आई साइट, बी है टू गिव अ करेक्ट डिसीजन, सी है टू हैव सेम ओपिनियन, या डी है टू ऑप्टेन सुटेबल पनिशमेंट। तो इसमें से क्या हो सकता है दोस्तों? तो सी आईज टू आईज यानी कि आंखों से आंखों में देखना, इसका मीन्स होता है टू हैव सेम ओपिनियन, यानी कि सेम ओपिनियन रखना, सेम राय रखना किसी चीज को लेके। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, आई डू नॉट सी आईज टू आई विथ यू इन दिस मैटर। इसका मतलब कि आई डू नॉट हैव सेम ओपिनियन विथ यू इन दिस मैटर। तो फर्स्ट वाला आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि सी आईज टू आईज मतलब होता है टू हैव सेम ओपिनियन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पाइट द डॉक्टर्स एडवाइस ही स्टिल ईट्स लाइक अ हॉर्स। ठीक है, अब इसकी क्या मीनिंग होती है, ईट्स लाइक अ हॉर्स यानी कि घोड़े की तरह खाना, इसकी क्या मीनिंग हो सकती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ईट्स अ लॉट ऑफ फूड, बी ऑप्शन है ईट्स स्लोली, सी ऑप्शन है swallows his food, या डी ऑप्शन है does not like to eat। तो इनमें से क्या हो सकता है दोस्तों? तो इसमें पूछा गया है eats like a horse यानी कि घोड़े की तरह खाना। तो घोड़ा दे, आपको पता होगा कि हॉर्स जो है वो बहुत वर्क करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा काम करता है, लोड वगैरह भी होते हैं। तो इस वजह से जो हॉर्स होती है, हॉर्स होता है वो बहुत ज्यादा खाना खाता है, बहुत ही अच्छी डाइट उसकी होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ईट्स A lot of food। तो कहीं भी आपको दिख जाता है eat like a horse, तो इसका means है कि eat a lot of food। All right? अब चलते हैं next। अब eat like an elephant आएगा तब भी eat a lot of food होगा। All right? फिर third है राजीव washed his hands of this matter long ago। तो washed his hand यानी कि अपने हाथ धो देना। ठीक है, हाथ धो देना किससे? किसी एक मैटर से हाथ धो देना। तो इसका क्या ऑप्शन हो सकता है? तो ए ऑप्शन इसमें है refused to change the decision, बी ऑप्शन है took the responsibility, सी है refused to accept responsibility for, या डी है overcame the difficulties। तो यहाँ पर पूछा है washed his hand यानी कि किसी एक मैटर से अपने हाथ धो देना। तो हाथ धो देना मीन्स रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो थर्ड वाला का भी आपको आंसर पता चल चुका है। ऑलराइट, फिर है अ क्राई इन वाइल्डरनेस। ठीक है, अ क्राई इन वाइल्डरनेस की जो मीनिंग होती है, तो उसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं अ क्राई इन वेन, एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, अ क्राई विथ अ लाफ्टर, अ क्राई इन डिसग्रेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों अ क्राई इन वेन। ऑलराइट, अब चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ है हैंड एंड ग्लव। ठीक है, यानी कि हाथ और दस्ताने, इसका क्या मीनिंग होता है? ए ऑप्शन है वेरी इनिटीमेट, ओपन एनिमी, वेरी रूड, या वेरी डिफिकल्ट। तो इसका जो राइट आंसर होता है दोस्तों, हैंड एंड ग्लव का जो राइट मीनिंग होता है वो होता है वेरी इंटीमेट। ऑलराइट, फिर है देयर अटेम्प्ट टू गेट बैक द स्टोलन नेकलेस बिकेम अ वाइल्ड गूज टू चेस्ट। ठीक है, वाइल्ड गूज टू चेस्ट हो गया उनका ये अटेम्प्ट
कि जो उनका स्टोलन नेकलेस था उसको ढूंढना उनके लिए एक वाइल्ड गूच को चेज करने के समान हो गया। तो इसका वाइल्ड गूच को चेज करना ये किस मीनिंग को दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन है टाइमली एक्शन, फिर है यूजलेस सर्च, सी है डिलेड एक्शन, डी है वाइज डिसीजन। तो वाइल्ड गूच को चेज करना दोस्तों इम्पॉसिबल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, दैट इट्स अ यूजलेस सर्च। ऑलराइट, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेवंथ है, हिज रिसेंट स्टेटमेंट इज एन अबाउट टर्न। अबाउट टर्न दोस्तों आपको पता होगा अबाउट टर्न में क्या होता है कि पूरा रिवर्स घूम जाते हैं, ठीक है, पूरा 180 डिग्री के एंगल में आप क्या करते हैं, रिवर्स घूम जाते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ए है कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, बी है डिक्लेरेशन ऑफ वार, सी है गुड अनाउंसमेंट, या डी है बोल्ड स्टेटमेंट। तो अबाउट टर्न होना यानी कि पूरा 180 डिग्री आप अपने उससे पूरी तरीके से चेंज हो जाना, तो इसको इसका मीनिंग होगा कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन। ऑलराइट, अब चलते हैं एट्थ पार्ट की ओर। एट्थ पार्ट है इन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो इसमें जो ऑप्शन है पहला है इन शॉर्ट, फिर है यूजलेस, या इन राइटिंग, या इन फुल स्विंग। अगर आप देखेंगे आप जैसे कॉपी कॉपी वगैरह में जैसे हम लिखते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है हम यूज करते हैं राइटिंग में, तो इन राइटिंग जो है वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर है टू बीट द ईयर, टू बीट द ईयर की मीनिंग क्या हो सकती है दोस्तों? तो ऑप्शन है टू एक्ट इंटेलिजेंटली, बी ऑप्शन है टू मेक अ ग्रेट एफर्ट, सी ऑप्शन है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, या डी ऑप्शन है टू मेक एफर्ट दैट आर यूजलेस और वेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन होगा, टू मेक एफर्ट दैट आर यूजलेस। यानी कि अगर आप एयर को बीट करने जाएंगे तो ये इम्पॉसिबल है दोस्तों, आप एयर जहां से जैसे एयर जो है उसको बीट करना इम्पॉसिबल है, ठीक है, उसमें मीन्स अपना टाइम वेस्ट करना बहुत ही मुश्किल है, हमें अपनी ही डायरेक्शन बदलनी होगी, एयर की डायरेक्शन हम नहीं बदल सकते हैं दोस्तों। तो ये क्या है, एक एफर्ट है जो कि यूजलेस है। ऑलराइट, फिर चलते हैं टेंथ क्वेश्चन की ओर। टेंथ क्वेश्चन है हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि ऐसा नट जो कि हार्ड है टू क्रैक करना। तो इसका ऑप्शन है ए एक्सपेंसिव थिंग, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, अ फुलिश सर्च, या एन इजी क्वेश्चन। तो जैसे हार्ड नट दिख गया आपको तो समझ लीजिए कि ये क्या है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑलराइट, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसमें हमने 10 idioms and phrases को जो है वो कवर कर लिया है, और बाकी के हम लेक्चर 2 में कवर करेंगे बाकी के 10, राइट। और हम कोशिश करेंगे कि लगभग 100 से 200 के बीच जो हमारे ये phrases हैं, idioms हैं, ये हम कवर कर लें दोस्तों। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर आए आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी ये चीज हो पाएगा। और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर से प्रेस कर देना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर किसी भी टाइम आ सकता है, तो सब्सक्राइब कर लेना। और अच्छी अगर ये वीडियो आपको लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो आपको कब तक चाहिए, और शेयर करना मत भूलना अपने और भी दोस्तों के साथ जो कि SSC की GD या MTS की तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। ओके, सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू दोस्तों।